सो हेलो बुबजींस, क्या चाहिए आपकी? स्वागत है इस वीक का एक और वीडियो में। और राज जाने वाले गाइस वापस स्टेडियम में, और उतरते ही देखना सबसे पहले तो मेरे को मिल जाती है गन, और एक बंदा पता नहीं उसे गन नहीं मिलते, फिर क्या होता है? देखो सबसे पहले तो मेरा पिंग इतना हाई रहता है ना, मैं सोचा मेरी कहानी खत्म, और साइड में जो बंदा होता है वो टीम अप वाला होता है। देखना ये उतरा और मैं क्या ही टेलीपोर्ट हुआ यहाँ पे, और इसको शायद गन नहीं मिली थी तो ये उछलने लग गया, और अभी मेरा पिंग हाई था, मुझे लगा भाई अब तो कहानी खत्म है, पर ये उछलने वाला था, पर मुझे अब गन मिल चुकी थी और इसकी ऑल पे कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही थी यार। तो मैंने सोचा भाई टीम अप तो अपन नहीं करेंगे, इसे तो मैंने मार दिया, और आप लोग जरा फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनो और मैंने मैप भी नोटिस करना, फुटस्टेप्स की आपको आवाज़ आ रही होगी, पर मैं अभी इस बंदे पर रश नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा पिंग काफ़ी हाई चल रहा था, आप लोग देख सकते हो। जल्दी से मैं अपनी होम स्क्रीन पर जाता हूँ भाई, एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करना पड़ता है मेरे को, और वापस से गेम में आता हूँ, और अब देखना आपको वापस से फुटस्टेप्स आ रहे होंगे, तो बहुत ही गजब। अब इस बंदे का देखो कुछ पता नहीं चल रहा था, ये बस भागे जा रहा था, ना ही मेरे पे रश कर रहा था, और मेरे पास हेलमेट और वेस्ट भी कते फटी पड़ी थी। मैंने सोचा इसको रश करने देते हैं, एक कार 92 का शॉट मारूंगा, यहाँ से वो आएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बंदा आता नहीं है। साइड से मेरे को लेवल 3 का हेलमेट मिल जाता है, और फिर मैं खुद के इसके थोड़ा फ्लैंक मारने का ट्राई करता हूं, क्योंकि इसे भी पता था मैं ऊपर की तरफ हूं, और मैं भी क्योंकि कंटिन्यूसली फुटस्टेप दिए जा रहा था। मैं आया इस बास्केटबॉल कोर्ट में, बंदा मेरे को दिखता है, मैंने शॉट मारने का ट्राई करा पर मिस हो जाता है, कतई मिस किया, मैं मार ही नहीं पाया ढंग से। अब जल्दी से मैं इसके ऊपर पुश करता हूँ और देखना, अभी आप लोग मिनी मैप पे नजर डालोगे तो आपको दो फुटस्टेप्स दिख रहे होंगे, तो मैं समझ चुका था या तो बंदों ने टीम अप कर लिया है या फिर एक दो बंदे और हैं नीचे, मतलब थर्ड पार्टी होने के पूरे चांसेस हैं, नहीं तो ये दोनों मिलकर मेरे को मार देंगे। अब मैंने सोचा क्या पता है बंदे ऊपर आएंगे, पर ये भैया कोई सब नाम ही ले रहा था ऊपर आने का, तो मैं कूद के इस तरफ आ जाता हूँ, और मैंने देखा इस घर में इस वाले रूम में तो नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर जाता हूँ और एक नेड फेंकता हूँ, नेड से तो कुछ असर नहीं पड़ता, पर फिर मैं देखता हूँ ये दोनों नीचे से भागे भागे आ रहे हैं। और देख रहे हो मतलब दोनों साथ साथ आ रहे थे, और एक बंदा तो उछल भी रहा था, अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो, मतलब ये दोनों ने तो टीम अप कर लिया है, लेकिन मैं अगर टीम अप करने गया ना तो एक बंदा मुझे जरूर मार देगा। तो मैंने सोच रहा था भाई जो भी आएगा मैं बस मारूंगा, क्योंकि इसके साथ मैं टीम अप करता और वो वाला बंदा मेरे को जरूर मार देता, आप लोगों ने देख लिया होगा भाई उसके मतलब तेवर। और ये दोनों तीनों जितने बंदे थे यार यहाँ पे मारे जाते हैं, और सोलो का भाई बहुत बुरा हाल हो चुका है, मतलब अब ऐसे दिन आ चुके हैं कि ऑल पे तुम्हें ना टीम अप वर्ड हमेशा सुनेगा, किस कोई सा भी तुम्हारा टीयर हो, कॉन्करर हो, फिर तुमने खेला स्टार्ट करा ना तो भी ऑल पे तुम्हें आवाज़ आएगी कि टीम अप कर लो भैया, मतलब बहुत बुरा हाल हो रखा है। अब देखो मैं तो गाड़ी की तलाश में निकलता हूँ, लेकिन साइड से एक बॉट मुझे बहुत परेशान कर रहा था, और डैमेज भी सॉलिड वाला दे रहा था, और यहाँ पे दो बॉट थे जिनमें से कि एक बॉट को मारने के रियल प्लेयर आता है, और वो बॉट देखना उसकी जान ले लेता एक तरह से। कार 98 के एक बॉडी शॉट में ना भाई पबजी वाला लाइट, मैंने आज तक बंदा मरते नहीं देखा, इस बोट ने इसकी हेल्थ लो कर दी और शायद ये बंदा बच सकता था, लेकिन बोट भाई बहुत ऐसे ऐसे कर देते। देखो साइड से मेरे को अभी भी परेशान कर रहे बोट, अभी कोई बंदा मेरे पे पुश कर देना फिर एक बॉडी शॉट मार दे तो मैं भी मरी जाऊँ कार 98 के, फिलहाल तो मरी जाऊँ जितनी मेरी हेल्थ है। अब देखो मैं जल्दी से गाड़ी लेता हूँ, और आपको गन शॉट्स की आवाज़ आ गई होगी, और सामने देखा आपने येलो आउटफिट में हल्का सा बंदा दिखा एकदम से, भाई पता नहीं क्या ही टेलीपोर्ट हो गया, गायब हो गया वो बंदा, इस डिस्ट्रिक्ट में आया, और यहाँ पे देखो ड्रॉप था, मैंने सोचा लूटूंगा, पर मुझे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि यहाँ पे गाड़ी थी, और बिल्कुल ऐसा ही हो भाई ड्रॉप लूटा पड़ा था। तो मैं गाड़ी लेके आता हूँ बान हाउस की तरफ, क्योंकि वो बंदा मैंने बान हाउस के पास ही देखा था, और यहाँ होते हैं बंदे, लेकिन एंड टाइम में मेरा पिंग हाई आ जाता है और मेरी गाड़ी रुक नहीं जाती, मैं खुद ही रोक देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई पिंग वैसे आई है, बंदे होंगे तो इजीली मेरे को मार देंगे क्योंकि मेरा पिंग हाई आ चुका है। तो मतलब जो आपको पता है जो पिंग हाई होता है ना तो आपको गेम कुछ काम नहीं करता, वहीं पर आप वापस मतलब एक तरह से पोज सा हो जाता, तो मैंने सोचा रुक ही जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो कहाँ टेलीपोर्ट हुआ भाई जाके, कहाँ और ये जगह पता नहीं मेरी क्यों फेवरेट है, जब भी सामने वाले घर में बंदा होता है ना हमेशा ही मारा जाता है, क्योंकि कल वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, और इस जगह से मैंने ना बानों से बहुत बंदे मारे हैं। अब अगर आप लोगों ने नोटिस करा ढंग से तो उस घर में एक और बंदा था जो कि इन दोनों बंदों ने टीम अप कर रखा था, एक को तो सजा मिल चुकी थी दूसरे को अब मिलेगी, भाई मैंने एक नेड फेंका जो कि डैमेज देता है बंदे को, और अब मैं पुश कर देता हूँ, और अब इसे आप पता क्या कह सकते हो, मेरी नूपंथी और उस बंदे के लिए एक चांस, सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, मेरी उंगली ना इतनी ज़्यादा स्लिपरी हो रखी थी कि एम कतई भी नहीं हो पाया। अब इस बंदे को देखो चांस मिल चुका था, मैंने यहाँ पे नूपंती कर दी थी पर इस बार नहीं, इस बार बंदे को मैंने इजीली लपेट लिया, और इसके ग्रेड से मिल जाती है मेरे को AWM, तो भाई कार 90 और M24 जैसी गनों को तो यार सोम पापड़ी की तरह फेंक दिया जाता है। तो जल्दी से मैंने फेंकी AWM, क्या बोल रहा हूँ मैं, AWM ली, और अगर आप लोग मिनी मैप नोटिस करो तो मेरे को देखो जोन में जाना था, तो मैं गाड़ी लेके नहीं कूद के बिल्कुल पैदल जा रहा हूँ, तो तभी एस्ट्रोल किसी किसी बंदे को बहुत गंदी तरीके से मारता, तो मैं समझ सकता हूँ उसका दर्द, और मुझे पता था बंदा सामने की तरफ है क्योंकि बग्गी भी उस तरफ ही थी, और मैंने सोच रहा था बंदा जैसे सर दिखाएगा ना
सर फोड़ देंगे। और मैं यहाँ से निकल रहा था, यूएस दिखती है मेरे को, इसके भी एक शॉट मारने का मैंने ट्राई करा, पर भाई निकल ही जाता है बंदा इन दी एंड। और गाड़ी लेके मैं सी के पीछे चल देता हूँ और घूमते घूमते देखो मेरे को कहाँ पे ले आता है, और यहाँ मेरे साथ होएगा स्कैम देखना। साइड वाले घर से मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे ही मार ले, अकेला बंदा है। आप लोगों को भी यही लग रहा होगा मिनी मैप में देख के, पर कहानी कुछ और थी भाई। और इसे कहते हैं भाई कर्मा, मैंने उस पर थर्ड पार्टी करी, इसने मेरे पे थर्ड पार्टी कर दी, और अब देखना। मैं बस बहुत ट्राई करा पर नहीं हो पाया रैश लड़के के सामने। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता भाई, मर गए बस मर गया। अब देखो उस वाले के मैं आया था स्टेडियम में और उतरते मेरे को मिलती है शॉट गन, और कोई बंदा तो आसपास दिख नहीं रहा था, लेकिन कुछ देर बाद एक बंदे के ना लैंड करने की आवाज़ आती है, मतलब उसके पैराशूट की। अब देखो जिस बंदे को मैंने मारा ना उस पर एक बंदा M16 चला रहा था, और वो मेरे को भी थोड़ा डैमेज दे चुका था। रुको भैया जॉयस्टिक पहले ठीक कर ले, थोड़ी देखो एडजस्ट करना पड़ता है यार, ये अपनी मजबूरी हो चुकी है, इसी मजबूरी में जीना पड़ेगा सोलो में। अब देखो वो बंदा आपको याद होगा, उस बंदे को मुझे मारा था M16 वाले को, तो मैं जल्दी से कुछ ऑटो गन्स लेके उसी तरफ खिसकता खिसकता जाता हूं। और यहां पे और भी बंदे थे यार, सिर्फ वो बंदा नहीं था, और मैं वेट कर रहा था कि कब इनकी थर्ड पार्टी हो और फिर मैं पुश करूं। मात्र 2-3 गोली में बंदा खत्म हो जाता है, और सोलो में यही है भाई, हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए खेल रहा है। रिवाइव करने वाला तो कोई है ही नहीं, किसी ने किसी को मारा उसको कोई और मार देगा। कुछ ज़्यादा भाषण दे रहा हो, कोई बात नहीं। अब देखो मेरे को चाहिए थी आगे से गाड़ी, और तभी मुझे एक बंदा दिखता है, मतलब मैं भी खुद सोच रहा था कि मेरी इतनी तगड़ी नज़र, मतलब मुझे बंदा दिख गया भागता हुआ छोटा सा बिल्कुल। और अभी देखना वो बंदा एकदम से बिल्कुल खड़ा हो जाएगा स्टिल, मुझे शक होने लगा यार बंदे के पास पक्का कोई स्नाइपर है, क्योंकि जिस तरह से मुझे घूर रहा था ना, मुझे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था। और अब मैं सोच रहा था भाई एक दो स्प्रे और मारेंगे और फिर गाड़ी लेके पुश करेंगे बंदे पे। इसे मारते ना मेरे को लग रहा था भाई डर कि अब कोई गलती से एक दो गोली ना छापते, मैं हील कर रहा था। और तभी साइड से ट्रिपल स्टोरी की तरफ से बूम बम की आवाज़ है मेरे को, मतलब यहीं यहाँ जो गैराज है ना उस तरफ से, तो मैं हील करके गाड़ी लेके वहीं पे आता हूँ। और इस स्टिक मुझे एक बंदा दिख चुका था, और जैसे क्लोज आया ना तो फुटस्टेप्स भी आ चुके थे। और अब नेड के लिए भाई जो तुम करना चाहो कर सकते हो भाई, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ अवेलेबल है। और बंदे को मारने के लिए ना भाई साउंड बहुत मैटर करती है, और नेड करते वक्त तो हद से भी ज़्यादा, क्योंकि फुटस्टेप्स जो होते हैं ना मिनी मैप में वो इतनी अच्छी तरह नहीं बता पाता कि बंदा है किस तरफ, जितना मतलब सुन के पता चलता है। अब देखो मेरे को जोन में जाना था, जल्दी से मैं गाड़ी में बैठा और स्टेडियम और जंक यार्ड से होते होते मैं आता तो सिंह डेल्टा के पास, और यहाँ मुझे दिखता है एक ड्रॉप और एक स्मोक भी दिखता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और अब मैं समझ चुका था कि क्यों इस बंदे ने यहाँ पे स्मोक करा था ड्रॉप लूटने के लिए, क्योंकि उसके भी भाई इसने हेड ही हेड बजाए होंगे। अब मैं तो कोई चीटर नहीं कह रहा, लेकिन मेरे एक हेड बज चुका था, तो मेरे को लग गया भाई डर। मैं निकलते यहाँ से और सामने मुझे एक फ्लेयर ड्रॉप दिख जाता है, मैंने सोचा क्यों ना इससे बढ़िया यही लूट ले, बढ़िया गन मिल जाएगी मेरे को। और अब जिस तरह से इस बंदे को मैं मारूंगा ना भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा ना सब्सक्राइब कर दोगे। इसे मारने में जो सेटिस्फेक्शन मिला ना यार, मैं बता नहीं सकता आप लोगों का। मैं देखो चिल मार के अच्छी तरह ड्रॉप लूटता हूँ, यहाँ से मेरे को एमके मिल जाती है विद 8x। और इसके बाद मैं देखो यहाँ पे बस घूम ही रहा था, मतलब जाने की मैंने प्लानिंग बना ली थी, बोरे बिस्तर बांध लिया था, तभी एक यूएस आती है। और देखो भाई S12K क्या है इस गेम में, इस गेम से भाई मैं बाहर निकल जाता, लेकिन तीन चीज़ों ने मेरे को बचा लिया, आप लोगों को पता होगा, और पता है तो भाई कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अब देखो मैं निकल तो जोन की तरफ, और यहाँ मेरे को एक यूएस दिखती है, और वापस एक कमाल के नेड के लिए रेडी हो जाओ। बस आप लोग फुटस्टेप्स क्या बोल रहा हूँ मैं, फुटस्टेप्स ऑब्जर्व करो और नेड के लिए बस लाइक कर देना। अब जिस तरफ मैंने नेड़ फेंका ना, बंदा होता उसी तरफ है, क्योंकि फुटस्टेप से मैं समझ चुका था, लेकिन नेड़ मेरा गलत हो चुका था। अब देखो मैं उछल उछल के फेंकने का ट्राई कर रहा था नेड़, और इस बार जाता कतई परफेक्ट, और मजा आ गया भाई इस बंदे को मार के। और इस बंदे के क्रेडिट से मेरे को वापस से मेरी लेवल 3 की वेस्ट मिल जाती है, जो कि एस्टल के वाला बंदा बर्बाद कर गया था, तो अच्छी बात है। अब देखो मैं जोन में तो था, लेकिन बंदे भाई अभी भी मारने हैं, तो अच्छी तरह अपनी मिराटो घुमाएंगे। और ये जो भागती है ना भाई, मतलब अलग ही लेवल, और ये जो ड्राइविंग जो करता है ना भाई, अपना एवेटार मतलब अपना कैरेक्टर, अवतार एवेटार जो भी तुम कहो यार कैरेक्टर, भाई बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है यार सही में। अब देखो मैं आता था सिंह डेल्टा के पास, यहाँ मुझे एक बंदा दिखता है जो कि मेरे को हल्के में ले गया था,
और मिनी मैप आप लोग अगर नजर डालो तो अभी भी फुटस्टेप्स आ रहे हैं हल्के हल्के, तो मैं समझ चुका था भाई ट्रिपल स्टोरी में वापस से बंदे हैं। तो मैं कुछ करके गाड़ी घुमा के वापस से ट्रिपल स्टोरी आता हूं, और ऊपर ये जो बंदा था ना भाई नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आपको पता है भाई ये ऐसे बंदे ना ज्यादातर एस्टोर के वाले होते हैं, तो मुझे था डर। मैंने एक स्मोक करा और फिर मैं ऊपर पुश करा, और ये बंदा क्या ही कर रहा था देखो। और पता नहीं यार ये बंदा मेरा स्मोक में इंतजार कर रहा था या फिर इसे मैं कतई भी नहीं दिखा, अलग ही सीन हो गया, बड़े इजीली मार दिया मैंने इसको। और दो तीन बंदे जो बचते हैं उनको भी मैं काफी इजीली मार देता हूँ, तभी मैं आपको ज्यादा मतलब दिखाऊंगा नहीं कतई बोल बोल के, क्योंकि ऐसा कुछ इंटेंस मोमेंट्स हो ही नहीं पाते। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, आज के लिए बाय, कल मिलते हैं।